आज बहुत खुशी हो रही है कि हम वापस पंजाब में हैं और हमारे पंजाब के सहाफ़ी दोस्तों से मुखातिब हैं। कुछ महीने हो चुके हैं, वैसे कोविड से पहले हमारा प्लान था कि हम आपके साथ बहुत ही टाइम गुजारेंगे, लेकिन फिर ये वबा आया और उससे हम हमारे हमें टाइम नहीं मिला। लेकिन आप बहुत ही खुश हूँ कि हम वापस लाहौर में हैं और आप सब के दरमियान में हैं। मैं आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची का स्टॉक एक्सचेंज का जो हमला हुआ है वहाँ से शुरू करना चाहूँगा। और सबसे पहले जैसे हमने पार्लियामान में और जहाँ हमें मौका मिला में हमने कहा है कि जो हमारे बहादुर पुलिस के ऑफिसर्स थे जिन्होंने इतना जल्दी एक्शन लेके इतने सारे जान भी बचाई हैं और पाकिस्तान की मईशत का जो नर्व सेंटर है कराची स्टॉक एक्सचेंज का तहफ़ भी किया है, तो उनको भी हम सलाम पेश करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इस इंसिडेंट है जिन्होंने इन दहशत गर्दों को जिन्होंने इस इन दहशत गर्दों को ऑफिसर्स हमारे हीरोज़ जिन्होंने इनको रोका, जिन्होंने इनको मारा, उनमें से एक हमारा रफीक सुमरो है जो कि उमरकोट से हैं, उसने दो दहशत गर्द को मारे। फिर हमारा एक खलील जतोई साहब है जो जाम शोरों से हैं, उसने भी एक दहशत गर्द को मारा था। और एक सलीम भरोही साहब है जो नवाबशाह से है, उसने भी एक दहशत गर्द को मारा था, तो उनको भी हम सलूट करते हैं। और जो हमारे शहीद है हमारा पुलिस ऑफिसर जो कि शहीद है वो SIP शाहिद अली का शहीद जो कि लियारी से ताल्लुक़ रखता था, कराची से ताल्लुक़ रखता था, वो इस इंसिडेंट में शहीद हो चुके। और फिर 3 जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स कराची स्टॉक एक्सचेंज के जो हसन बलोच साहब है लियारी से, खुदायार खान शहीद है रंगी टाउन से, और इफ्तिखार शहीद है हमारा यू कराची से। और इन बहादुर ऑफिसर्स ने सिंध पुलिस के ऑफिसर्स ने इतना कामयाबी और पूरा पाकिस्तान जो है कराची से लेके इस्लामाबाद तक उनके फख्र करते हैं। सिंध हुकूमत ने हमारे शोदा के लिए हमारे ऑफिसर्स के लिए रिवॉर्ड्स भी ऐलान किए हैं। और जो कराची का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है या पूरा सूबा का जो सिंध का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है काफ़ी बेहतर हुई है, और वो सिर्फ इसलिए कि हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो ग्राउंड वर्क करते हैं चाहे वो हमारे पुलिस हो या हमारे रेंजर्स हो, उनकी कुर्बानी की वजह से उनकी मेहनत की वजह से सिंध पुलिस के सबसे ज़्यादा शोदा है कराची ऑपरेशन से। और उनके कुर्बानी की वजह से ना सिर्फ हम कराची में सुकून से रहते हैं मगर पाकिस्तान की मईशत को जो बूस्ट मिला है ये इनकी वजह से है। और जो पैकेज अलाउंस किया है मैं समझता हूँ वो हुकूमत की तरफ से एक ऑफ़र है, लेकिन कराची स्टॉक एक्सचेंज में जो बिजनेसेस है जो कंपनीज है जिनके ना सिर्फ अब पैसा बचे लेकिन उनका जान का तहफ़ किया, उनके तरफ से भी सिंध पुलिस के लिए सिंध पुलिस के मार्टर्स के लिए और ख़ास तौर पे अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए हम उम्मीद करते हैं कि वो भी एक कॉम्पनसेशन दिल पाएंगे, उनका ख्याल रखेंगे। उनका जिम्मेदारी होता है कि जिन्होंने अपना जान बचाया है आप उनका भी खिदमत करें। इसके बाद जो सबसे अहम इशू है वो हमारा कोविड का कोरोना का जो ग्लोबल पैंडेमिक चल रहा है और जिस तरीके से जिस तेज़ी से वो पाकिस्तान में फैल रहे हैं वो आपके सामने है। कुछ लोग जिनका इस वबा का पता ही नहीं, जिन्होंने आज तक पढ़ा ही नहीं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कर्व फ्लैटन हो रहा है, हमारा कोविड केसेस तो कम हो रहे हैं, हमारे अमवात कम हो रहे हैं, ये सफ़ेद झूठ है।
The worst is yet to come. अब भी हमारा शराय अंबार भरता जा रहा है, हमारा इन्फेक्शन रेट भरता जा रहा है. आपका जो कर्व है वो सिर्फ तब फ्लैटन होता अगर आप कुछ कदम उठाते उस कर्व को फ्लैटन करने के लिए, जो कि खान साहब की हुकूमत ने शुरू दिन से सैबोटेज करके आज तक कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है जिससे हम इस बीमारी के फैलाव को रोक सके, इस वायरस के फैलाव को रोक सके, हमारा शराय अमवात में कमी ले आ सके. हुकूमत ने इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया है तो कोई नहीं कह सकता है कि पाकिस्तान का जो कोरोना वायरस का कर्व है, पाकिस्तान का जो केसेस का इजाफा है, वो सबके सामने है. आज या कल आपका जो पंजाब के यंग डॉक्टर्स है उन्होंने ई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और पंजाब के यंग डॉक्टर्स मुतालबा कर रहे हैं कि उनको रिस्क अलाउंस मिले. हम भी मुतालबा करते हैं कि ना सिर्फ पंजाब के वो डॉक्टर्स जो डायरेक्टली आइसोलेशन वार्ड्स में, आईसीयूज में, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में कोविड पेशेंट्स का ख्याल रख रहे हैं उनका भी रिस्क अलाउंस होना चाहिए. और हर जो हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, मुलाजमीन हैं, जो ईआर में काम कर रहे होंगे, ओपीडीज में काम कर रहे होंगे, मुख्तलिफ जगह पे भी काम कर रहे होंगे, वो भी एट रिस्क है. वो भी अपने आप को रिस्क में डाल के आजकल काम में काम करने के लिए जाते हैं और उनका भी रिस्क अलाउंस होना चाहिए. जैसा सिंध में हमने हर किसी को हेल्थ अलाउंस दिया, रिस्क अलाउंस दिया है, जैसे हमने शहीद का कोटा दिया है, जैसे हमने रखा है कि अगर वो फौत हो जाए तो उनके ख़ानदान से आप नौकरी भी देंगे, इस किस्म का जो डिमांड है ये इनका हक है. और पंजाब हुकूमत समेत बाकी सूबे को, वफाक को भी सिंध हुकूमत की तरह ये पॉलिसी अपनाना चाहिए. वफाकी हुकूमत ने तो तनख्वाह में भी इजाफा नहीं किया, पेंशन में इजाफा नहीं किया, और जो वो कहते हैं हमारा डॉक्टर्स और नर्सेस जो जिहाद कर रहे हैं उनके लिए भी, उनके लिए भी उनके हकूक ना तहफ़ किया, उनका मुआशी कॉम्पनसेशन का ख्याल नहीं रखा गया. तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा करती है कि जो सिंध ने अपने हेल्थ वर्कर्स को, अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए फैसिलिटीज रखे हैं, पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में इसी किस्म के कॉम्पनसेशन और फैसिलिटेशन मिलना चाहिए उनको, जो हम कह रहे हैं कि हमारा फ्रंट लाइन वर्कर्स है, हमारे डॉक्टर्स हैं. अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं समझता हूँ कि जो चैलेंजेस आज पाकिस्तान सामना कर रहा है वो हमने अपनी तारीख में कभी इस किस्म के चैलेंजेस का मुकाबला नहीं किया. जिस तरीके से ये 100 साल बाद का वबा का मुकाबला हम कर रहे हैं, जिस तरीके से यह हमारा लोकस का ख़तरा हर किसान का फसल को, हर किसान का फसल को ख़तरा में डालता है, जिस तरीके से पूरी दुनिया में एक मुआशी बहरान चल रहा है, उसका इफेक्ट तो पाकिस्तान पे भी होगा. और हमारे प्रडिक्शंस है हैवी मानसूनस के, सैलाब के भी. तो इस वक्त पाकिस्तान के तारीखी चैलेंजेस हैं. और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पीटीआई की हुकूमत हर क्राइसिस को एक कैटास्ट्रोफी में तब्दील करती है. अगर कोई कोई ख़राबी है, कोई मसला है, उसमें पीटीआई हुकूमत बेहतरी लाने के बजाय दे मेक इट वर्स. इन्होंने ऐसा ही कोविड में, कोरोना पैंडेमिक में ज़बरदस्ती इस वबा को पूरे मुल्क में फैलाया है. जो हम लोकस का हमला को रोक सकते थे, हुकूमत का अपना नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक, लोकस नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक जो हम कदम उठा सकते थे जिससे हम इस प्ले के इस दिन लोकस का ख़त्म कर सकते थे, अर्ली स्टेजेस में उनका प्लेन्स उड़ाने जो उन्होंने वादा किया, जहाज़ बेचने का प्लेन्स बेचने का जिससे हम इनको मार सकते हैं, वो भी कदम नहीं उठाने को तैयार है. तो हर जगह वो मसाइल में इजाफा कर रहे हैं. हमारा जो मुआशी सूरत हाल में
जो जो हमारे सामने आ रहा है, जिसमें हुकूमत को चाहिए था कि वो अमीरों पे बोझ डाल के गरीबों को रिलीफ देते, जिसमें अमीरों को चाहिए था कि वो हमारा सेहत का निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ को में इजाफा करते और बाकी जगहों में कटौती करते, मगर अफसोस के साथ यहाँ भी वो कदम नहीं उठाए थे। तो इसलिए हम कहते हैं कि हुकूमत जो है वो हर क्राइसिस को कैटास्ट्रोफी में तब्दील करते हैं। सबसे जो अब रिसेंटली जो हुआ है, जिस तरीके से ये पेट्रोल बॉम्ब गिराए दिया है पूरे पाकिस्तान में, हर पाकिस्तानी के जेब पे डाका डाला है, ये इनका जो यू टर्न का सिलसिला है, उनका मुनाफिकाना तरीक़ाकार है, वो एक और इसका सबसे लेटेस्ट सबूत ये है कि जब बजट पेश करते हैं तो उनका अपना बजट स्पीच का डॉक्यूमेंट में लिखा है कि हम पेट्रोल की कीमत में और डीजल की कीमत में कमी ला के अवाम को रिलीफ पहुंचा रहे हैं, और वो बजट पास होने से पहले वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल नोटिफिकेशन जो ओग्रा रेगुलेटरी अथॉरिटी से नहीं मगर थ्रू फेडरल मिनिस्ट्री से ये निकालते हैं, और जो जो नुकसान पेट्रोल कंपनीज को हो रहे थे, ऑयल कंपनीज को हो रहे थे, वो नुकसान अब आप कर रहे हो। आप अपना अपना जेब से ऑयल कंपनीज का जो लॉस है उनको कॉम्पनसेट कर रहे हो, और जब यही ऑयल कंपनीज मुनाफा में थे, जब यही ऑयल कंपनीज अरबों रुपया का प्रॉफिट बना रहे थे, तो तब उसका तो फ़ायदा आपको नहीं ट्रांसफ़र किया जाता था, तब पेट्रोल की कीमतें में कमी नहीं ले आ जाते थे ताकि अवाम को रिलीफ पहुंचाएं, और जब वो नुकसान में है, जब ये सो कॉल्ड माफियाज, जो कि माफियाज नहीं है, पीटीआई के हुकूमत के फ्रंटमैन है, जब वो नुकसान में है, तो फिर अब हर पाकिस्तानी की जेब पे डाका डालते हो, और वो भी एक ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान। जब आप रिलीफ की बात कर रहे हो आपने हर चीज में, ऑब्वियसली अगर आप तेल में इस तरीके से, पेट्रोलियम लेवी में इस तरीके से में इजाफा करेंगे, इसका नॉक ऑन इफेक्ट होगा, एक महंगाई की सुनामी, एक महंगाई की तूफान उठ खड़े होगा, जहां से हर चीज में इसका प्राइस का इजाफा होगा। लेकिन पीटीआई की हुकूमत गरीब का नाम लेके अमीरों को फायदा पहुंचाते हैं, इनका हर बजट में, इनका हर बजट में आम पाकिस्तानी के लिए, अवाम के लिए तकलीफ है और अमीरों के लिए रिलीफ है, और इसी बजट में वही सिलसिला हमें नजर आ रहा था। कल ही हमारा वज़ीर आज़म साहब ने, ऑब्वियसली वज़ीर आज़म साहब बहुत ही बहादुर हैं, बहादुर वज़ीर आज़म है, और वो इसलिए बहादुर है कि वो तकरीर करता है तो हमारे गैर मौजूदगी में तकरीर कर सकता है, हमारा सामने जवाब देने को तो तैयार नहीं होता है। मैंने तो चैलेंज भी किया था वज़ीर आज़म साहब को कि आप अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आए पार्लियामेंट में, हम डिबेट करें। डिबेट का ये नहीं मतलब होता है कि तकरीर करके उठ के भाग जाए, डिबेट का ये मतलब है कि हमारे बात सुने, नून लीग के बात सुने, JUIF के बात सुने, ANP के बात सुने, मैंगल साहब के बात सुने, PTM के जो नुमाइंदे हैं उनके बात सुने, या फिर हमारा जवाब दें। लेकिन हमारा बहादुर वज़ीर आज़म ना हमें पार्लियामेंट में हमारा सामने को तैयार है। मैंने तो कहा था कि आप टेलीविजन चैनल्स पे पार्लियामेंट्री पार्टीज का हेड्स का डिबेट करा दें, मैं तो इमरान खान को टीवी पे भी डिबेट करने को तैयार है, आप वहाँ आ जाए, वहाँ हम सियासत पे डिबेट करते हैं, कोविड पे डिबेट करते हैं, मीशत पे डिबेट करते हैं, अगर आप में हिम्मत है तो सामने आए मुकाबला करे। मगर खान साहब का मसला ये है कि वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी बनने को तैयार है, खान साहब की मसला नहीं है, मसला ये है कि वो पूरा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने को तैयार नहीं है। वो खुश है इस बात है कि वो पीटीआई के ट्रोल्स के वज़ीर आज़म है, पीटीआई का ट्विटर और फेसबुक का वज़ीर आज़म है, मगर पूरा पाकिस्तान का हमें इस वक्त वज़ीर आज़म की ज़रूरत है, हमें एक संजीदा एडल्ट की ज़रूरत है जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े जो मिसाइल हैं इनका मुकाबला कर सके। उनको समझ तो आ जाए कि कोरोना क्या है, कोविड क्या है, एक पैंडेमिक क्या है, इसका संभालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। उनको समझ तो ये बात तो आ जाए कि पाकिस्तान एक ज़राए मईशत है, और अगर आप
जिस तरीके से कोविड को जबरदस्ती फैलाया, रोकस के खिलाफ कोई कदम उठाने को तैयार नहीं होगा तो पूरे पाकिस्तान की मईशत बह जाएगा। जब हर किसान का फसल खतरा में है, इसका मतलब कि पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी खतरा में है। लेकिन जब आपका वजीर आजम सिर्फ ट्विटर और फेसबुक का वजीर आजम है तो उसको तो एहसास ही नहीं होता, उसको महसूस ही नहीं होता कि ये कितना सीरियस इशू है। आज तक वजीर आजम साहब ने माफ़ी नहीं मांगा, क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि उसामा बिन लादेन शहीद है या नहीं। ये आपने ऑन ओथ फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था, इसलिए आपको तो पता होगा, पता नहीं वजीर आजम को पता है या नहीं, जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात होता है वो ऑन ओथ होता है। आपने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि उसामा बिन लादेन शहीद, अमेरिका बुरा, वो आके मारे, आके शहीद किया आपने कहा। और अमेरिका में बैठ के आप कहते हो, अमेरिका में बैठ के हमारा वजीर आजम कहता है ये तो ISI के टिप पे आपने उसको मार दिया। तो सच क्या है और पोजीशन तेरा क्या है? क्या आपका पोजीशन वही है जो हमेशा से था कि हमारे जो पाकिस्तान के सिटीजन्स को शहीद करते, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को शहीद करते, पाकिस्तान के सोल्जर्स को, अफवाज को शहीद किए, हमले किए हैं हमारे मिलिट्री इदारे पे, हमारा नेवल बेसिस पे, किसने जो हमारे जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जिसने 1993 का रांजी यूसुफ का कातिलाना हमला के पीछे कौन था, 1994 का कू अटेम्प्ट, इस्लामिक कू अटेम्प्ट जो पाकिस्तान ना सिर्फ हमारा जो सिविलियन लीडरशिप था लेकिन मिलिट्री लीडरशिप के खिलाफ वो कू अटेम्प्ट, उसके पीछे कौन था, जो ऑब्वियसली अमेरिका में और बिरूने मुल्क में जो 9/11 हुआ लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान में तबाही मचाए, उसके पीछे कौन था? अगर उसामा बिन लादेन शहीद है तो आपका मौकफ क्या है APS पे? आपका मौकफ क्या है ज़र्ब अज़ब पे? आपके मौकफ क्या है स्वाब के ऑपरेशन पे? ये बात पाकिस्तान के अवाम मुतालबा करते हैं कि हमारा वज़ीर आज़म इस पे क्लैरिफिकेशन दे। इसलिए पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है और आज तक वज़ीर आज़म ने ये यहाँ तक महसूस नहीं किया कि मैंने इसका वजाहत करना है। हम तो जानते हैं कि इमरान खान शहीद, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस्लामिक दुनिया की, इस्लामिक उम्मा की पहली खातून वज़ीर आज़म जो दहशतगर्दी में शहीद हो चुकी थी उसको शहीद मानने को तैयार नहीं, तो वो कैसे कह सकता है कि उसामा बिन लादेन शहीद है? खान साहब की अहमकाना, बचकाना, PTI का ट्विटर और फेसबुक का वज़ीर आज़म रहना को नुकसान पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे भी होता है, पाकिस्तान की मईशत पे भी हो रहा है, पाकिस्तान की जो पैंडेमिक रिस्पॉन्स है उस पे भी हो रहा है। मैं तो हैरान होता हूँ कि ये वज़ीर आज़म कह सकता है कि उसका सबसे बड़ा कामयाबी उनका फॉरेन पॉलिसी है। ये तो अजीब बात है। वो वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान की पहला वज़ीर आज़म है जिसने कश्मीर पे पाकिस्तान में कंसेंसस ना बना सका, जिसके नाक के नीचे मकबूजा कश्मीर में जो हमला मोदी ने किया है, जो वो पहला वज़ीर आज़म है जिसने मोदी का इलेक्शन कैंपेन चलाया, पहला वज़ीर आज़म है जिसने कहा कि अगर मोदी इलेक्शन जीतता है तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। कश्मीर का मसला हल होना का ये मतलब था? अगर आप समझते हो कि आपका फॉरेन पॉलिसी कामयाब है तो भाई आप जाके मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर का आवाम से पूछे। ये तो मजाक बन चुका है, मजाक बन चुका है कि जब भी हमारा वज़ीर आज़म अपना मुँह खोलता है तो वो कहीं ना कहीं हमला कर देता है, कभी पाकिस्तान की शहीदों पे, कभी हमारा फॉरेन पॉलिसी पे, कभी हमारे इदारे पे। हमारा डॉक्टर्स और नर्सिस को एक तकरीर में वो कह रहे हैं कि ये जहाद लड़ रहे हैं। ये जो हमारा जहाद लड़ रहे हैं, तू इस मुल्क के वज़ीर आज़म हो, तूने आज तक एक डॉक्टर से, एक नर्स से, एक पैरामेडिकल स्टाफ से, एक यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन से, एक PTMA का अदारा से मिले हैं या नहीं? नहीं मिले।
इसने अगर मिला है तो अमीरों से मिला है, इसने अगर मिला है तो इंडस्ट्रियलिस्ट से मिला है, बिजनेसमैन से मिला है, पाकिस्तान का एक मजदूर से नहीं मिला, एक मेहनत कश से नहीं मिला, एक डॉक्टर से नहीं मिला, एक नर्स से नहीं मिला, और फिर ऐसे बस बातें करता है। उसका बजट ये रिफ्लेक्ट करता है कि प्रायोरिटीज क्या है। बजट में आप प्रायोरिटी नहीं हो, बजट में इस मुल्क के सफेद पोश अवाम प्रायोरिटी नहीं है, बजट में इस मुल्क के गरीब से गरीब तर अवाम प्रायोरिटी नहीं है। बजट से आपको वाजे नजर आ रहा है कि आपका सेहत का निज़ाम इनका प्रायोरिटी नहीं है, तालीम इनका प्रायोरिटी नहीं है। अगर इनका प्रायोरिटी है तो वो अपना इलेक्टेबल्स को, अपने कैंडिडेट्स को, अपने इत्तेहादियों को स्लश फंड्स वो दे रहे हैं आपके बजट की सूरत। जो पैसा हम सेहत पे इस्तेमाल कर सकते थे, जो पैसा हम अपना सेहत के निज़ाम में इजाफा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, ये हुकूमत वही पैसा अपने ही इलाकों में अपने ही कैंडिडेट्स के स्कीम्स के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये इस किस्म के दौर इस टाइम पे जब हमने पाकिस्तान की पूरी मईशत को इस काम में इस्तेमाल करना चाहिए था, इस काम पे लगाना चाहिए था कि हमारा हेल्थ का निज़ाम में इजाफा हो, हम हर पाकिस्तानी की सेहत और ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ करें, उस वक्त हमारा वज़ीर आज़म साहब की बजट एक अमीरों की बजट है, एक PTIMF बजट है, और पाकिस्तान की जो ज़रूरियात है, पाकिस्तान की जो प्रायोरिटीज़ है, वो मद्दनज़र नहीं रख, वो सबसे आगे नहीं रखे जाते हैं। इसके साथ साथ जो मसलसल हमला हमारा वज़ीर आज़म की तरफ से हमारा आईन पे होता है, इसकी काबिल मज़म्मत है। जब ये लोग 18वीं तरमीम के बात करते हैं, वो किसी तरमीम की बात नहीं कर रहे हैं, वो आईन पाकिस्तान 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। PTI का प्लान, ख्वाहिश, मैनिफेस्टो, सो कॉल्ड नज़रिया ये है कि वन यूनिट को वो ज़बरदस्ती वापस ले आना चाहते हैं, जिसके सबसे ज़्यादा नुकसान इस वफाक को होगा, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान की गरीब अवाम का होगा। आज भी पूरी दुनिया मान रही है कि हमने सेहत पे और तालीम पे और अपने अवाम के हकूक पे काफ़ी पैसा खर्च नहीं किया है। अगर हम वन यूनिट की तरफ वापस चले जाते हैं तो हम ये इंडिकेट कर रहे हैं, ये मैसेज भेज रहे हैं कि हम अपना अवाम के सेहत पे, अपने अवाम के एजुकेशन पे प्रायोरिटी नहीं रखने को तैयार है, हम उनको वो खुद मुख्तारी देने को तैयार नहीं है, जो किसी 18th अमेंडमेंट का वादा नहीं, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन का वादा था। लेकिन हमारा जो झूठा वज़ीर आज़म है, जिसका आमिराना सोच है, उसका हर जगह, वो अच्छा वो हमारा मीडिया का दोस्त है, चाहे वो सियासतदान है, वो हर जगह सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहा है। मीडिया के हद तक आप देख लें, जियो का मीर शकील रहमान आज तक जेल में है, रेफरेंस नहीं है, कई केस नहीं है, मगर सिर्फ इस बात पे जेल में है कि इमरान खान को उसका शक्ल पसंद नहीं। ये किस किस्म का इंसाफ है? आज तक खुर्शीद शाह कैद में है, खुर्शीद शाह पे तो रेफरेंस ही नहीं बना। जो वजीर, जो PTI के MLA जिन पे रेफरेंसेस है, जिन पे केसेस है, वो बेल के बगैर घूम रहे हैं, और शाह साहब जो है वो आज तक नैब की कैदी है। ये किस किस्म का इंसाफ है? सदर जरदारी पे ये इस हद तक पहुंच चुके हैं कि मैं महसूस करता हूं कि PTI की हुकूमत सदर जरदारी को कत्ल करना चाहते हैं। इन्होंने पहले कोशिश की, जब सदर जरदारी जेल में था तो कितने महीनों तक तिबी सहूलियात नहीं दे रहे थे, टाइम पे दवाई नहीं दे रहे थे, फिर हमें कोर्ट से वो मेडिकल बेल की इजाज़त आखिरकार मिला, और उनके खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ हमारे कंटेम्प्ट के केसेस भी चल रहे हैं। वो इस किस्म, और आपने देखा जो मियां साहब के साथ सलूक किया गया था जेल में, और आज भी सदर जरदारी, पूरा पाकिस्तान जानता है कि सदर जरदारी की तबीयत की सेहत में जो जितने मुश्किल है, और आज भी जो नैब है और नैब के दावते हैं, वो चाहते हैं कि सदर जरदारी साहब वहाँ आके खुदा ना खास्ता कोरोना हो जाए, कोविड हो जाए, इतने सारे
बीमारियां इस लेवल तक ये काम करते हैं। आज भी आप देख लें तो सदर जरदारी के खिलाफ दो केसेस है, एक केस ने एग्जेम्पशन दे दिया है कि कोविड की वजह से, पैंडेमिक की वजह से आप खुद ना आए, अपना लॉयर्स और आपका ऑनलाइन के थ्रू हम आपका चार्जेस फ्रेम करेंगे। उसके साथ साथ ही दूसरा केस है, एक दूसरा केस है जिस केस में गिलानी साहब ने पूरा पहले दो हफ्ते तीन हफ्ते पहले वो खुद गया था उस कोर्ट में, उसी वहाँ उसी कोर्ट से गिलानी साहब को कोरोना कोविड पॉजिटिव वो निकला, उसका लॉयर भी कोविड पॉजिटिव भी निकला। और आज जब सदर जरदारी साहब का लॉयर जाता है, कल जब सदर जरदारी साहब का लॉयर जाता है तो हमें एग्जेम्पशन का इजाज़त नहीं दिया जाता, हमें कहा जाता है कि आपको ज़बरदस्ती आना पड़ेगा, गिरफ्तारी का वारंट निकल जाता है। तो ये कैसे इक्वालिटी है? अगर एक कोर्ट कह रहा है, एक अदालत कह रहा है कि एक पैंडेमिक है, आप अपना ज़िंदगी को ख़तरा में नहीं डालेंगे, हम ऑनलाइन करेंगे, लेकिन दूसरा अदालत कह रहा है कि आप आए पेश करें, ये अपने इतना लिहाज भी नहीं करते हैं कि वो बुज़ुर्गों का भी लिहाज नहीं करते, ख़वातीन का लिहाज नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ देख चुका है और हम आज भी वहाँ खड़े हैं। हम 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो जैसे भी हमें धमकी देना चाहे, जैसे भी हमें प्रेशराइज़ करना चाहे, हम अपने असूली मौक़िफ़ पे पीछे नहीं हटेंगे। हम इस कठपुतली हुकूमत को, इस सिलेक्टिव हुकूमत को मुसलसल टफ टाइम देते रहेंगे, उनका सवाल उनका पीछा करते रहेंगे, वो जवाब दे ना दे उनका किरदार कशी चलेगा, हम अपना मेहनत बरकरार रखेंगे। हम कोई NRO नहीं चाहते, हम मुतालबा करते हैं कन्विक्ट करो, अगर केस में जान है कन्विक्ट करो। हमने देखा है किस तरीके से शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक, सदर आसिफ ज़रदारी का केसेस का तूफान आपने खड़ा कर दिया, लेकिन हर केस में हम बाइज़्ज़त बरे, हर केस में हम बाइज़्ज़त बरे, और आज भी हमें उम्मीद है कि बाइज़्ज़त बरी होंगे। लेकिन आप जो आपके आपने अपोजिशन के लिए नहीं, लेकिन तारीख में इतने ज़्यादा NROs नहीं दिए गए हैं जितने इमरान खान ने दिए हैं। सबसे शुरू जो सबसे पहला NRO इमरान खान ने अपनी बहन को लीमा खान को, बजट एक स्पेसिफिक लीमा खान की पोर्शन था का पहला बजट में, ताकि लीमा खान साहिबा को NRO मिले, उनकी करप्शन का जवाब आज तक नहीं दी गई, आज तक मनी ट्रेल प्रोड्यूस नहीं किया गया, कोई हमारा सवाल का जवाब नहीं दे रहा है कि सिलाई मशीन्स बेचते आपने कैसे न्यूयॉर्क में इमारतें खड़े कर दी, इसका सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है और ना आप पूछ सकते हो, इसलिए इमरान ने NRO। आप इन्होंने पहले कहते थे कि एमनेस्टी स्कीम्स चोरों के लिए है, एक तो इन्होंने खुद दो एमनेस्टी स्कीम्स निकाले हैं अपने दौर में उन्हीं चोरों के लिए, और साथ साथ खान साहब खुद, इमरान ने खुद 2002 में मुशर्रफ का एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठाया, मतलब मुशर्रफ का 2002 का NRO का बेनिफिशियरी इमरान खान नियाजी साहब है। इतना मुनाफिक आप कैसे कह सकते हो, मेरा समझ से बाहर है कि एक इंसान ने सुना था उसका तकलीफ, कहता है कि ये लोग जो है मगरब में जाके कुछ और होते हैं, यहाँ और आके कुछ और बनते हैं। अरे खान साहब, आप जिस मीटिंग में हो, आप जिस ऑडियंस से मुखातिब हो, अब वहाँ जाके अपने आप को तब्दील कर देते हो, हमारे सामने कुछ और बनते हो, तेरे PTI के सामने कुछ और बनते हो, सेलेक्टर्स के सामने कुछ और बनते हो, फिर बाहर जाके कुछ और बनते हो, तालिबान के सामने कुछ और बनते हो। सबसे तारीखी मुनाफिक जो हमारा वज़ीर आज़म रहा है वो इमरान खान साहब रहा है। ड्रामा पूरा आपने देखा उनका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ क्या कर रहे हैं। तारीखी पाकिस्तान के एक कामयाबी के कामयाब इदारा जो पूरा दुनिया मानते चले, आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम चेंज कर दिया, एहसास रख लिया, शाबाश आपका कामयाबी है ये, लेकिन आपने जो पैसा दिलवाया, उन्होंने लॉकडाउन के दौरान
12,000 रुपीस जो उनको तीन चार महीनों का किस्त में मिलना ही था, एक वक्त में इनको दे दिया था। लेकिन उन बेचारे से पूछे कि बिजली का बिल कितना निकला, जिनको आपने 12,000 रुपीस का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का रिलीफ पहुंचाया, उनका तो 12,000 रुपया इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकला है। एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ से दिया, ये किस किस्म का हिसाब है? इन्होंने कैश ट्रांसफर प्रोग्राम में इजाफा करना चाहिए था। अगर गरीब का ख्याल था, अगर गरीब का तकलीफ था, अगर गरीब का एहसास होता, तो फिर सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स में 34 बिलियन रुपीस इस साल पिछले साल के रिलीजेस से काम क्यों रखा गया है? ये तो सिर्फ और सिर्फ गरीब तरीन औरतें जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नीचे आते हैं उनके लिए हैं। आपने उनको भी गरीब से गरीब तर आवाम को रिलीफ पहुंचाना है, लोअर मिडिल क्लास को आपने रिलीफ पहुंचाना है। ये एक पैंडेमिक है। इस हकूमत का कन्फ्यूजन, इस हकूमत का कोई स्ट्रैटेजी, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो लोकल्स हो, चाहे वो मीशत हो, वो नज़र ही नहीं आ रहा। पंजाब में या जो भी सूबा वो चला रहे हैं, आप कंपेयर करें, अगर गवर्नेंस हो रहा है तो सिंध और बलूचिस्तान में गवर्नेंस हो रहा है। पंजाब में तो आपका वजीर आला दो साल से क्वारंटीन में है। कितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया होगा अभी तक, किसी ने समझाया कि कोरोना कैसे काटता है? ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब के अवाम, और आपका ऑन ट्रेनिंग वजीर आला आज तक चला रहा है ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान। पंजाब को भी, पंजाब के साथ भी नाइंसाफी हो रहा है। वफाक की हुकूमत की तरफ से जो उनकी शॉर्टफॉल की वजह से 229 बिलियन रुपीस सिंध को नहीं दिया गया, और पंजाब को भी वफाकी हुकूमत की नालायकी आप उठा रहे हो, वफाकी हुकूमत का नाकामी आप उठा रहे हो। आपका बजट से 483 बिलियन रुपीस आपको नहीं मिला। 483 बिलियन रुपीस आप जरा सोचे इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते थे इस वक्त? ये आपके यंग डॉक्टर्स, आपके नर्सेस की जेब में जा सकता था, ये आपका हेल्थ केयर कैपेसिटी में इजाफा करने के लिए जा सकता था। लेकिन वफाकी हुकूमत ने आपका जेब पे डाका डाल के फिर कहते हैं कि वो 18th amendment के कोई मसला नहीं, इनका अपना नालायकी, ये खुद अपना टैक्स टारगेट्स नहीं मीट कर सकते, ये खुद अपना काम नहीं कर सकते। सिंध हो या पंजाब हो या बलूचिस्तान हो या केपी हो, हम अपना टैक्स टारगेट्स पर काम कर रहे हैं। सिंध में हमने इस मुश्किल सूरत हाल में भी कामयाबी हासिल की है। लेकिन वफाकी हुकूमत का नालायकी, वफाकी हुकूमत की को उठाए, वफाकी हुकूमत का नाकामी पंजाब के अवाम क्यों उठाए? जब उनका इतना जरूरत है, इतना गुर्बत है, बेरोजगारी में इतना इजाफा हो रहा है, महंगाई का तूफान चल रहा है, वबा, ग्लोबल पैंडेमिक, उन सूरत हाल में भी आप सूबे से चोरी कर रहे हो। एक हमारा चैलेंज नहीं मानते, डिबेट का चैलेंज तो कहाँ मानेगा बुजदिल इमरान, मगर हमारा जो मैंने चैलेंज किया था कि जो आप हॉस्पिटल्स चोरी करना चाहते हो, चाहे वो NICVD हो, JPMC हो, NICH हो, एक हॉस्पिटल, आज तक एक हुकूमत का हॉस्पिटल PTI मुझे नहीं बता सका कि उन्होंने बनाया हो जो कि मेरा NICVD, JPMC या NICH से मुकाबला कर सके। इसलिए इसमें उन्होंने किया ही नहीं, सिर्फ ट्विटर के फोटोशॉप और फेसबुक के फोटोशॉप से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की तरफ देख सकते हैं। मईशत के में बहराम, हर पाकिस्तानी की जिंदगी, सेहत और मुआशी सूरत हाल खतरा में है। अगर वो हुकूमत की तरफ से वो रिलीफ नहीं मिलेगा तो फिर अवाम मजबूर हो जाएगी, अजवार मजबूर हो जाएंगे कि इस सूरत हाल में भी एक ग्लोबल वबा के दौरान उनको सड़कों पे निकलना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा, इस वजीर आजम को, इसका पुतली को वजीर आजम हाउस से खींच के बाहर फेंकना पड़ेगा। अगर उनको कोई और रास्ता नहीं दिखाया जाएगा, कोई और उम्मीद नहीं मिलेगा कि ये रियासत हमारा सेहत को बचाने को तैयार नहीं,
जिंदगी बचाने को तैयार नहीं, मुआशी मुश्किल मुआशी सूरतेहाल मुश्किल है, वहां मदद करने को तैयार नहीं, हमारा किसान हमारा फसल खतरा में है, वहां मदद करने को तैयार नहीं, जहां उनका काम है, चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो हमारे बॉर्डर्स हो, वहां करने को तैयार नहीं। हमारे जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस है, हमारे जो PIA है, हमारा जो स्टील मिल्स है, इनको बेचने चाह रहे हैं ताकि अपने फ्रंट मैन को फायदा पहुंचा सके। PIA के साथ क्या जुल्म हो रहा है, इन मैं क्या कह सकता हूं, ये जो लोग हुकूमत में हैं उनको क्या पता है, उनको क्या पता है कि मेहनत क्या है, हमारा पायलट्स के, हमारा एयर होस्टेसेस के, हमारा इंजीनियर्स के, हमारा एयर ट्रैफिक पायलट्स, उनको क्या पता है, उनको क्या पता कि हर 6 महीने बाद पायलट्स को उनका टेस्ट फिर से बैठना पड़ता है, लाइसेंस रिन्यू होना पड़ता है, वो सिमुलेशन भी करते हैं, वो थ्योरी का अपना वो टेस्ट करते हैं, जब वो पास होते हैं फिर वो रिन्यू होता है। फ्लाइंग के लिए ये कोई डिग्री नहीं होता, लाइसेंस होता है, और वो लाइसेंस हमारा सिविल एविएशन जो है वो बनाता है। सिविल एविएशन का द्वारा ना सिर्फ PIA बल्कि हमारा बाकी प्लेन्स बाकी पायलट्स जो है पाकिस्तान, वहां से वो अपना सर्टिफिकेशन लेते हैं, और जो वो वजीर जिनका अपने डिग्री जाली है, और मुझे इसलिए पता है कि इसको ब्लैकमेल शायद किया गया होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ना लड़े, इंडिपेंडेंट लड़े, वो 2002 के इलेक्शंस में, कि जाली डिग्री है, और अब PTI की हुकूमत है, तब तक चल रहा है, किसी ने साबित नहीं किया कि जाली है या नहीं, लेकिन इस किस्म का इल्जाम हमारा पायलट्स पे, हमारा अपने पाकिस्तानियों पर एक सबूत के बगैर डालना 6 महीने में, उनको जिस तरीके से वो अब दुनिया में बैन हो रहे हैं, इस किस्म का नुकसान तारीख में किसी ने नहीं पहुंचाया है PIA को, जो इसको की हुकूमत ने पहुंचाया है, और ये दो तरफ से हो रहा है। मैंने तो शुरू में इनको वार्न किया था, पार्लियामान के फ्लॉ पे वार्न किया था कि अगर आप अपना कोरोना का पॉलिसी नहीं अपनाएंगे, इस वबा को संभालने की कोशिश नहीं करेंगे, तो स्वीडन की तरह दूसरे ममालिक की तरह जहाँ उन्होंने नहीं संभाला, आप आइसोलेट हो जाएंगे, आपके लोग को दूसरे ममालिक में जाने नहीं देंगे, तो एक तरफ से कोई हमारे सिटीजन बाहर जाने को इजाज़त नहीं मिलेगा, आपका रेमिटेंस में जो इसका नुकसान होगा, जिस तरीके से हमारे लोग मिडल ईस्ट और दूसरी जगह जाते हैं काम करने के लिए, और आपका जो नेशनल एयरलाइन है, एक प्लेन एक्सीडेंट का फ़ायदा उठाते हुए आप इसको प्राइवेटाइज करने के लिए इस किस्म के झूठ कह रहे हो, तो इतना इमैच्योर, इतना संगीन कॉन्सिक्वेंसेस, और इस बहाना इसी आर्गुमेंट को आके लेके चलते हुए वो PIA के असासे बेचना चाहते हैं, जो रोज़वेल्ट होटल है PIA का न्यूयॉर्क में, जो मुनाफा बनाता है, जो प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टी है, उसको कम कीमत में बेच के उनका किसी फ्रंटमैन को दिलवाना चाहते हैं, और जबकि आप जानते हो कि इस वक्त प्रॉपर्टी मार्केट्स का क्या हाल है, अगर आप प्राइवेटाइजेशन के हक में हो, अगर आप चाहते भी हो कि ये अदारा बेचे जाए, तो अब तो नहीं बेच सकते, इन सूरत हाल में नहीं बेच सकते हैं, ये पाकिस्तान के ये पाकिस्तान के असासे हैं, और आपका मैनिफेस्टो था, आपका मैनिफेस्टो था कि आप रिफॉर्म लेकर आएंगे, मुनाफा में लेकर आएंगे, फिर आप कदम उठाएंगे, अब इस सूरत हाल में PIA को सैबोटाज करके बेचना चाह रहे हैं, जिससे पाकिस्तान का किरदार कशी हुआ है, जिस तक पाकिस्तान कितना फख्र करते हैं पाकिस्तान के पायलट्स से, इनके कुछ नहीं पका, एमिरेट्स हेड हंस PIA पायलट्स, दुनिया में माना जाता है कि पाकिस्तान के पायलट बेहतरीन पायलट, ये दिस इज नॉट ए जोक, हमारा पायलट्स का स्किल सेट, हाँ आप कम फैसिलिटेट करते हो, आप कम इन्वेस्ट करते हो, लेकिन उनका ज्यादा मेहनत की वजह से, चाहे वो एयरफोर्स पे हो या सिविलियन साइड पे हो, पाकिस्तान के पायलट्स जो है हम उन पर फख्र करते हैं, और इमरान की हुकूमत जो खुद सिलेक्टेड है, जो खुद जाली है, उनका किरदार कशी करता है। इतना बड़ा मजाक वो हमें मजबूर होकर करवाते हैं कि वजीर आजम इमरान खान, क्या आपको पता है
कि इनका अपना ऑडिटर जनरल रिपोर्ट जो उन्होंने छुपाने की कोशिश किया उसमें कितना करप्शन सामने आया है। पाकिस्तान की ऑडिटर जनरल रिपोर्ट के मुताबिक 270 बिलियन रुपीस का करप्शन पीटीआई के एक साल में हुआ है। इसका हिसाब कौन देगा? अगर आप अकाउंटेबिलिटी और करप्शन के वाक्य ही खिलाफ हो तो ये तो माजी की बात नहीं होता है, वो आज का दौर का होता है, आज का हुकूमत का, मौजूदा हुकूमत का हिसाब अकाउंटेबिलिटी होता है। जब आपका अपना ऑडिटर जनरल रिपोर्ट कहता है कि 270 बिलियन इनरेगुलरिटीज और करप्शन में चला गया, आपने अपने वजीर को क्यों नहीं हटाया? जो एनआरओ के चीट करते हैं, असल में इनका हर पॉलिसी एनआरओ रहा है। ये जो शुगर कमीशन का ड्रामा था ये इनका लेटेस्ट एनआरओ था। ये एनआरओ था वजीर आजम के लिए खुद, असद उमर के लिए खुद, बुजदार के लिए, तरीन के लिए, और तरीन के लिए एग्जिट स्ट्रेटजी। एक जमाना में जदा का स्ट्रेटजी था, अब लंदन का स्ट्रेटजी भी तरीन को मिल गया है। एनआरओ इस शुगर कमीशन की सूरत में वजीर आजम का किरदार को छुपा दिया, वजीर आला का किरदार को छुपा दिया, वजीर खजाना का किरदार को छुपा दिया, असद उमर का किरदार को छुपा दिया, और फिर क्या कहते हैं, 10 साल पहले देखते हैं, 10 साल पहले देखते हैं कि क्या हुआ। हम वो तो देख रहे हैं, आप हमें बताएं कि जो 270 बिलियन रुपीस का करप्शन आपका अपना ऑडिटर जनरल कहता है कि तूने पाकिस्तान में, नियाजी के पाकिस्तान में, इमरान का पाकिस्तान में करप्शन हुआ है, उसका हिसाब दो। जो शुगर कमीशन का रिपोर्ट छुपाता है कि आपका वजीर आजम, आपके वजीर आला, आपका फाइनेंस मिनिस्टर ने किस तरीके से जहांगीर तरीन के दोस्तों को फायदा पहुंचाया है, उसका जवाब दो। जिस तरीके से आपने ओवरनाइट ये छुप छुप के इलीगल नोटिफिकेशन निकाला है, जितना अरबों रुपए का फायदा आपने अपना फ्रंट मैन को पहुंचाया, हाँ रात में, अगर आपके पास अब एक क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल आपके पास था एक रात पहले, दूसरा दिन कितना मुनाफा हुआ? ये तो खुलेआम चोरी है पाकिस्तान के आवाम के पैसे से, इसका तो जवाब दे। पैनामा स्कैंडल में हमने बड़ा सुना था कि इंसाफ होगा, वो पैनामा में तो जी कुछ हमारे दोस्तों के साथियों के नाम हुए होंगे, लेकिन उसमें आज मौजूदा जो हमारा स्पेशल असिस्टेंस है उनका भी नाम है, उनके लिए हमने ऑफशोर कंपनीज का ऑर्डिनेंस के थ्रू रिलीफ पहुंचाया है, वो एनआरओ नहीं है। हम मुतालबा करते हैं, हम एनआरओ नहीं चाहते, हम चाहते हैं आप हमें कन्विक्ट करें, नहीं कर सकते हो क्योंकि केस नहीं है, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा अपना करप्शन का, आपको जवाब देना पड़ेगा कि आज हर पाकिस्तानी का जेब पे जो नियाजी टैक्स पेट्रोल लेवी में लग रहा है वो कहां जा रहा है। आज आपको जवाब देना पड़ेगा कि शुगर कमीशन ने जो आपने जिस तरीके से छुपाने की कोशिश की, ये सवाल आप इनसे पूछे जाएंगे। और आज अपोजिशन बात नहीं कर रहा, अवाम की तरफ से, पार्टियों की तरफ से, मीडिया की तरफ से बात नहीं आ रहा, वजीर आजम खुद कह रहा है -1। हम तो नहीं, तू कह रहा है -1, किसने कहा आपको -1? आपको कुछ खबर होगा जो हमें नहीं बताया गया। ये असल में मेरे लिए और आपके लिए पॉइंट नहीं था अपना स्पीच में, वो अपने जो इर्द गिर्द बैठे थे वजीर उनसे मुखातिब थे, और बस मैं खान साहब को इतना ही कहूँगा कि जैसे सहेल वराइब साहब ने लिखा था कि ज़िया उल हक के ज़माने में पीर पगारा साहब ने भी फरमाया था कि किला मजबूत है, शमाली साहब ने इसी तरीके से अपना बजट स्पीच पे कहा था कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे कि कितने देर तक ये वज़ीर आज़म अब रहता है। जहाँ तक मेरा पर्सपेक्टिव है, मैंने बहुत कोशिश किया, मैंने समझा ग्लोबल वबा आ चुका है, पार्टिसान पॉलिटिक्स छोड़े हम एक बन के इसका हल, आज भी मैं समझता हूँ यही हल है। लेकिन जब जितना देर पहले तो सिर्फ इमरान खान वज़ीर आज़म होते हुए हमारा जमहूरियत के लिए नुकसान था, हमारा मीशत के लिए नुकसान था, अब तो ये वज़ीर आज़म रहते, अगर ये वज़ीर आज़म रहता
कहा पाकिस्तानी का जिंदगी सेहत तो मुआशी सूरत हाल खतरा में है, कितना देर तक वजीर आज़म ये रह सकता है। खान कहता है तो वो इमरान कहता है कि ही इज़ दी ओनली ऑप्शन, लेकिन पाकिस्तान के अवाम कह रहे हैं कि आप किसी को भी रख लो मगर इसको नहीं, एनी बडी बट इमरान। एक एडल्ट हो, एक संजीदा जमहूरी आदमी हो जो इस किस्म के मिसाइल, इस किस्म का प्रॉब्लम्स को समझ सके, उनका बात का कॉन्सिक्वेंसेस को समझ सके, एहसास हो उसको कि एक रियासत का वजीर आजम है, किसी जमात का, किसी ट्रोल फार्म का सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर तो नहीं है। अब मैं कितने, अब मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान, पाकिस्तान के अवाम डिज़र्व बेटर देन दिस। हम पाकिस्तान की जो पूरा हम मुल्क हैं, सारे सूबे हैं, हमने बहुत से मुश्किलात के मुकाबले किए हैं माजी में, ये तारीख में सबसे ज़्यादा हमारा अब मुश्किलात हमारे सामने हैं, हमने एक होके उनका मुकाबला करना है। और वी डिज़र्व बेटर देन अ सेलेक्टेड इललिजिटिमेट गवर्नमेंट that it does not have the scope, does not have the political mandate, does not have the legitimacy, does not have the wherewithal, the political wherewithal, the economic wherewithal, the foreign policy wherewithal to steer this country out of this crisis. The Pakistan People's Party is hukumat ko musalsal har mauqif pe, har forum pe bekaar karti rahegi, हर इशू पे चैलेंज करते रहेंगे और उनका झूठ का, उनका प्रोपेगेंडा का जवाब देते रहेंगे, मगर हम अपने अवाम को इस तकलीफ नहीं दे सकते। आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अमदाद सुबू साहब, कैसे हो आप, खैरियत से हो? ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा माइनस वन के ख़िलाफ़ था, माइनस वन बना तो पीपल्स पार्टी के लिए बना। मैंने कहा ना, हम बात नहीं कर रहे माइनस वन के, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ख़ुद बात कर रहा है माइनस वन का। अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ख़ुद बात कर रहा है माइनस वन का तो उसका ज़हन में तो है माइनस वन। अगर उस वज़ीर आज़म बात करेगा माइनस वन का तो दूसरे भी बात करेंगे माइनस वन का, फिर आप भी बात करेंगे और पाकिस्तान के अवाम भी बात करेंगे। जहाँ तक जमहूरियत को ख़तरा है, इस पे पीटीआई और इमरान को तकलीफ़ हो रहा है कि जमहूरियत को ख़तरा है। और मैं समझता हूँ कि जब भी पाकिस्तान में ये जमहूरियत को ख़तरा रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सफ़े अफल का किरदार रहा है, और आज भी जहाँ भी जमहूरियत से ख़तरा है हम अपने सफ़े अफल का किरदार रखते हैं। और आज जो जमहूरियत को ख़तरा है वो इमरान की ज़ात से हैं, आज अगर जमहूरियत को ख़तरा है वो इमरान की अना की वजह से, अगर जमहूरियत को ख़तरा है वो इसलिए कि वो वज़ीर आज़म अपनी ही कुर्सी को, अपना ही पार्लियामेंट को अंडरमाइन करता है, अपना मुल्क ही आइन के ख़िलाफ़ बोलता है। तो ख़तरे जो आ रहे हैं हमारे जमहूरियत को इस वक्त, बहुत से ख़तरे हैं, लेकिन जो सबसे अव्वल का किरदार उस तरफ से हो रहा है वो इमरान खान की साख की वजह से। जी, एक ख़ास कोशिश इस हुकूमत की तरफ से पहले दिन से है कि सूबाई सिंध का किरदार कशी की जाए। मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी है, और शायद इसलिए हो रहा है ये हमले हो रहे हैं, ये टारगेटेड कैरेक्टर असैसिनेशन कैंपेन की जाती है, और वो इसलिए कि वो सिंध वाहिद सूबा है जहाँ इस वक्त पाकिस्तान में गवर्नेंस हो रहा है, जहाँ इस वक्त वज़ीर आला या जो भी एग्जीक्यूटिव है वो अपने अवाम को अकाउंटेबल है, हर दिन उनका मसाइल हल करने की कोशिश कर रही है। और पीटीआई की तरफ से जो मुसलसल सिंध को सिंगल आउट करके, टारगेट करके निशाना बनाया जाता है, ये एक वफाकी जमात और वफाकी हुकूमत का की तरफ से नहीं होना चाहिए। इसका असरात होता है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस होता है। जहाँ तक मुद्दत है, मैंडेट है, वो तो सिर्फ जमहूरियत के लिए होता है, इमरान का तो मैंडेट ही नहीं है, ये सिलेक्टिव है, इलिजिटिमेट है। कौन सा मैंडेट? As soon as वो डंडा चला जाता है
तो उनका जवाब में कितने लोग रहते हैं, उनके एलाइज कितने रहते हैं, वो आपके सामने नजर आएगा किसके पास मैंडेट है। इस वक्त तक जबरदस्ती इमरान के इर्द गिर्द एक जाली मैंडेट जोड़ा गया है जो किसी भी वक्त गिर सकता है। मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज वैसे ही किरदार अदा करेगी जैसे करना चाहिए अपोजिशन में, और इसमें बहुत अहम किरदार हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब का है, और इंशाल्लाह ताला वही अपोजिशन, वही जो जोश है, जो जज्बा है, उसी के साथ शहबाज शरीफ साहब और पूरा नून लीग जो है हमारे साथ देंगे। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की बीमारी है, ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब का अंडरलाइन कंडीशंस भी थे, ऊपर से अगर कोरोना हो गया तो उसको सेहतयाब होने का तो हक है, और हम भी इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि जल्द ही शहबाज शरीफ साहब हमसे राबता करेंगे अपना एपीसी के लिए। जी हबीब साहब सॉरी सॉरी सॉरी, बारी बारी सर, मैं कोशिश करता हूँ। हम उंगली पे के इशारे पे नहीं चलते, ना अंपायर के इशारे पे चलते हैं, हम आवाम के इशारे पे चलते हैं। हम उसी आवाम का इशारा जो शुरू से था कि ये सिलेक्टेड है, ये जाली है, हमें जमहूरी अवामी हुकूमत दो जो हमारे मसाइल का हल कर सके। वो कोविड के से पहले भी अवाम की ज़रूरियात था, अवाम का मुतालबात था, और कोविड के दौरान अब भी अवाम का मुतालबात है। हम किसी के इशारे पे नहीं चलते हैं, हम इनफैक्ट उनको कहते हैं आए अवाम के इशारे पे चले, अपना काम करे। हमें गुजारिश होगी, सवाल छोटा नहीं, बस सेनेट का क्या, मैं आपने सेनेट का जिक्र किया, लेकिन जी लेकिन मेरा इंक्वायरी कमेटी जो है उसका जो पहुंच है वो सिर्फ मेरा सेनेटर्स तक है। उसका पहुंच जो है वो जहां डानली करवाया गया वहां तक तो नहीं है। अगर आप में हिम्मत है आपका टेलीविज़न चैनल में ज़रा चला दे कि कैसे मेरे नहीं तो फिर दूसरे के सेनेटर्स को क्या क्या धमकी देके और किस तरीके से पूरे पाकिस्तान के सामने खुलेआम धांधली की गई। हम समझते हैं कि जो वो धांधली करवाया गया, जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान ने देखा ऊपर आपके सामने जब खुला था कितने सेनेटर्स खड़े हुए, और फिर जब सीक्रेट था कैसे, जिस उस सिलसिला से जिस तरीके से ये धांधली बेनकाब हुआ, शायद आम इंतखाबात के धांधली इतना पाकिस्तान की अवाम ही को ये फैसला करना चाहिए, और अगर किसी को कन्विंस होना पड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ हमें अवाम को कन्विंस करना चाहिए, और जहाँ आप इशारा कर रहे हो वहाँ इस किस्म का फैसले नहीं लेना चाहिए। ये फैसले सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान में और नेशनल असेंबली में लिया जाते हैं। समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जो प्री कोविड और पोस्ट कोविड सिचुएशन है उसमें फ़र्क है, एंड आई थिंक सबको एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है कि जो चैलेंजेस पाकिस्तान के अब हमें अब सामना करना पड़ेगा वो तारीखी चैलेंजेस है, एंड दे रिक्वायर अ लेवल ऑफ सीरियसनेस, अ लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, अ लेवल ऑफ लीडरशिप दैट इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड बाय द करंट सेटअप। तो ये कंसेंसस खुद ब खुद अवाम के दरमियान, मीडिया में, सोसाइटी के हर सेगमेंट में फैल रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है, हम तो हमेशा जमहूरी और आइनी तरीके में यकीन रखते हैं, और उम्मीद भी रखते हैं कि हर मसला का जो हल है वो जमहूरी तरीके से निकल सकते हैं, और ये जो इमरान का मसला है इसका हल भी जमहूरी तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से निकल सकता है। जी आप भी साथ कर ले ताकि एक दफा ही हो जाए। मैं एक सवाल का जवाब दूंगा। चले, 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 जी प्लीज। हमारा जो एपीसी है
there three main topics and one administrative topic that you main apni taraf se wahan le chahunga ek hamara jo covid ka pandemic hai WHO ki taraf jo recommendations aaye hain hum chahenge ke usi ke mutabik experts ke mutabik hamara policy chale to us pe hum APC mein bahas karenge फिर हमारा जो NFC अवार्ड है और 18th अमेंडमेंट पे जिस तरीके से हमले हो रहे हैं हम चाहते हैं कि वहाँ भी एक मुत्तफ़का लाए अमल बनाया जाए जहाँ सारे ऑपोजिशन से बातें मिल के अगर हम लीगली चैलेंज करना चाहें पोलिटिकली जैसे हम चैलेंज करना चाहें वो हम चैलेंज करें और जो बजट हमने अब मुस्तरद किया है उसके बारे में हमने जिस तरीके से अगर हम हुकूमत में होते हम सैलरीज़ और पेंशन्स में इजाफ़ा करते हम रिलीफ में इजाफ़ा करते हम हेल्थ में इजाफ़ा करते वो भी उस पर भी डिबेट ज़रूर होगा। एक और पॉइंट जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस APC में लेकर आएंगे हम चाहते हैं कि पार्लियामानी सिस्टम जो है वो इम्पार्शल तरीके से चले। हम चाहते हैं कि हर जमहूरी पार्टी को मौका मिले। हम चाहते हैं कि ये सिर्फ एक PTI का जलसा हमेशा ना रहे और अफसोस के साथ जितना हमारा स्पीकर साहब पैसे तो अच्छा है लेकिन आई थिंक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विल हैव टू रेज विद द अदर ऑपोजिशन पार्टीज दैट इट्स अबाउट टाइम यू ब्रॉट अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली जो कि हमारा नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन को वो मौकफ नहीं देता ऑपोजिशन को वो अपॉर्चुनिटी नहीं देता वन साइडेड रहता है सिर्फ एक जमात के लिए हाउस चलाता है तो इस तरीके से जमहूरियत नहीं चलेगा। इस तरीके से हम कोविड पे और मीशत पे कौन सा बात करेंगे। हमारा स्पीकर साहब ने कोविड का भी चेयरमैन था हमारा कोविड कमेटी का वो भी नहीं चल रहे हैं। हमारा जो स्टैंडिंग कमेटीज़ है उनको तो हाइब्रिड भी और ऑनलाइन भी हो सकते हैं उनका कोई लीगल कवर नहीं है। नेशनल असेंबली में हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और अपोजिशन जमातों को इंटरप्ट की जाती है हुकूमत को नहीं। हर सेशन को वो ऐसे चलाते हैं जैसे बजट सेशन है हर जवाब का वो अपोजिशन हुकूमत की तरफ से आता है तो बिल्कुल एक PTI की वर्कर से के तरीके से चल रहा है और अब ये नाकाबिले बर्दाश्त है तो हम ये पॉइंट भी ज़रूर उठाएंगे हमारा APC में। आई थिंक आप अगर देख लें कि ऑब्वियसली कुछ लोग आइसोलेशन में हैं कुछ लोग कोविड पेशेंट्स हैं उनको आप तकलीफ नहीं देते हो किसी सूरत में आने के लिए एक बजट वोट में आने के लिए लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि PTI हुकूमत इतना डरा हुआ था कि अपने कोविड पॉजिटिव मेंबर्स को भी नेशनल असेंबली में लेकर आए लेकिन फिर भी 170 वोट्स जो वजीर आजम बनने के लिए ज़रूरी है वो पूरा नहीं कर सके। अगर ज़रा सोचिए अगर नो कॉन्फिडेंस वोट होता अगर बाकी हमारे साथी बीमार नहीं होते वहाँ साफ होते तो फिर क्या होता। आई थिंक वज़ीर आज़म की परेशानी वज़ीर आज़म का भुखला वज़ीर आज़म के पैरानॉइड तकरीरें इसी चीज़ को इशारा करता है कि उसका हुकूमत अनस्टेबल है। मैं आप सबको बहुत ही शुक्रगुजार हूँ बहुत ही सिर्फ तफसील से हमने बात भी किया प्रेस के जवाब भी दिया अब आपके चैनल्स मुझे दिखा भी नहीं रहे होंगे तो मैं आपके बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और इंशाल्लाह हम मुसलसल करता रहेंगे और इससे बेहतर भी हम इंतजामिया करेंगे। क्या धंधे वाले बात करना था मैंने कुछ दिन है 2-3 दिन के लिए।